गुड डे टू ऑल ऑफ यू। एमएस पेंट के इस भाग में आपने बहुत कुछ सीख लिया है। क्या आप बता सकते हैं कि एमएस पेंट के इस भाग में आपने क्या-क्या सीखा है? एमएस पेंट के इस भाग में आपने कमांड के बारे में भी सीखा है, जैसे कि कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट, अंडू, रीडू के बारे में सीख चुके हैं। एमएस पेंट में टाइपिंग करने के साथ साथ उसकी फॉर्मेटिंग करना सीखा है। क्या आपको याद है कि अपने टेक्स्ट अथवा पैराग्राफ पर कौन-कौन सी फॉर्मेटिंग के ऑप्शन कर चुके हैं? आप सभी ने अपने टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग के बहुत से ऑप्शन के बारे में सीखा है, जैसे कि राइटिंग को चेंज करना, राइटिंग के साइज को बढ़ाना और कम करना, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, और टेक्स्ट के कलर को कैसे बदलते हैं, इन सभी ऑप्शन के बारे में सीखा था। क्या आप बता सकते हैं कि आपने इस भाग में अभी तक कौन-कौन से टूल का उपयोग किया है? आपने इस भाग में कई नए टूल के मदद से चित्र को बनाया है, जैसे कि ओवल टूल, राउंड एंड रेक्टेंगल टूल, कर्व टूल, पेंसिल टूल और ब्रश टूल की मदद से चित्रों को बनाया था और उनके बारे में सीखा था। आइए सबसे पहले पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं पेंसिल टूल का उपयोग क्यों करते हैं? पेंसिल टूल की मदद से आप पेंट की शीट में कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि लाइन ड्रॉ करना, ओवल ड्रॉ करना, कुछ लिखना और भी बहुत से कार्य आप पेंसिल टूल की मदद से कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं ब्रश टूल का उपयोग क्यों करते हैं? ब्रश टूल के अंदर कई प्रकार के ब्रश टूल होते हैं, जिनकी मदद से आप किसी भी ड्राइंग को बना सकते हैं। अब आप सभी अपने कंप्यूटर को ऑन करें और पेंट की फाइल को ओपन करें। आज की क्लास में आप सभी इस भाग के कुछ ऑप्शन का रिवीजन करेंगे। सामने दिए गए लाइन या पैराग्राफ को टाइप करें। अब आप सब अपने लाइन या पैराग्राफ के टेक्स्ट के राइटिंग को चेंज करेंगे। क्या आप बता सकते हैं टेक्स्ट की राइटिंग के स्टाइल को चेंज करने के लिए कौन से विकल्प का उपयोग करेंगे? आप सब फॉन्ट फैमिली विकल्प का उपयोग करेंगे। अब सभी अपने टेक्स्ट की राइटिंग को चेंज करें। अगर कोई समस्या होती है तो आप वीडियो देख सकते हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि फॉन्ट स्टाइल विकल्प का उपयोग कैसे करते हैं। जैसे कि आप सभी को वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप अपने टेक्स्ट या पैराग्राफ या लाइन को सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट आप किसी भी प्रकार की विधि के द्वारा कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने पॉइंटर को, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, यहाँ पे लेकर आए, क्लिक करें। एक बॉक्स ओपन होगा। अब इस बॉक्स के अंदर से अलग-अलग प्रकार के फॉन्ट के स्टाइल अवेलेबल हैं। इनमें से आपको जो अच्छा लगे उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। वह आपका सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट या लाइन पर आपके टेक्स्ट का राइटिंग का स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, यह चेंज हो जाएगा। अब आप सभी अपने टेक्स्ट के कलर को चेंज करेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि टेक्स्ट के कलर को चेंज कैसे करेंगे? टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए कलर पैलेट या कलर बॉक्स का उपयोग करेंगे। अब आप अपने टेक्स्ट के कलर को चेंज करें। अगर कोई समस्या हो तो आप वीडियो को देखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि फॉन्ट कलर विकल्प का उपयोग कैसे करते हैं। जैसे कि आप सभी को वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप अपने टेक्स्ट या लाइन या पैराग्राफ को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद अपने पॉइंटर को कलर बॉक्स के अंदर लेकर आएं और यहां से कोई भी एक कलर को सेलेक्ट कर लें।
फिर उसके बाद दूसरी लाइन को सेलेक्ट करें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। कलर बॉक्स के अंदर जाएं, यहां से कलर को सेलेक्ट कर लें। कलर वन जो कि आपके फॉन्ट के कलर के लिए होता है जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, इस तरह से आप फॉन्ट के कलर का उपयोग कर सकते हैं। अब आप बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का अभ्यास करेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन क्यों करते हैं? बोल्ड से आप अपने टेक्स्ट को डार्क यानी कि गहरा कर सकते हैं, इटैलिक से आप अपने टेक्स्ट को तिरछा कर सकते हैं, अंडरलाइन से आप अपने टेक्स्ट के नीचे लाइन को ला सकते हैं। अब आप सभी बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का अभ्यास करके दिखाएं। अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो आप सभी वीडियो की मदद से करें। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कैसे करते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप अपने लाइन, टेक्स्ट या पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लें जिसे आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ वीडियो में दिखाया जा रहा है, एक लाइन को सेलेक्ट कर लिया गया और इसे अब बोल्ड करना है, तो सेलेक्ट करने के बाद बी लिखे हुए ऑप्शन पे हम जाके क्लिक कर देंगे जिससे कि यह सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट आपका बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद दूसरी लाइन को सेलेक्ट कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, सेलेक्ट आप किसी भी प्रकार के विधि के द्वारा कर सकते हैं। उसके बाद अपने पॉइंटर को आई लिखे हुए विकल्प पर लेकर आएं और क्लिक कर दें। अब आपका टेक्स्ट जो आपने सेलेक्ट किया है वह इटैलिक हो जाएगा। उसके बाद तीसरे लाइन को सेलेक्ट कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, सेलेक्ट आप किसी भी प्रकार की विधि के द्वारा कर सकते हैं। उसके बाद अपने पॉइंटर को यू लिखे हुए विकल्प पर लेकर आए और क्लिक कर दें जिससे कि आपका यह सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट या लाइन या पैराग्राफ अंडरलाइन हो जाएगा। इस तरह से आप बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का उपयोग कर सकते हैं। अब व्यू विकल्प के कुछ ऑप्शन जैसे कि जूम, रूलर, स्टेटस बार का अभ्यास करेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि जूम का उपयोग क्यों करते हैं? जूम से आप अपने पेज के साइज को बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। आप सभी अपने पेज के साइज को 400% करके दिखाएं और फिर उसके बाद अपने पेज को 100% करके दिखाएं। अगर कोई समस्या होती है तो आप वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि जूम विकल्प का उपयोग कैसे करते हैं। जूम के लिए आप सभी अपने पॉइंटर को व्यू लिखे हुए विकल्प पे लेकर आए और यहाँ पे क्लिक कर दें। उसके बाद दो ऑप्शन दिए गए हैं, जूम इन, जूम आउट। जूम इन पर अगर आप क्लिक करेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है तो आपके पेज का साइज बढ़ने लगेगा जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आप इसे स्क्रॉल करके ऐसे देख सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। जूम आउट से आप अपने पेज के साइज को कम कर सकते हैं। इसके लिए आप सभी अपने पॉइंटर को जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है
जूम आउट लिखे हुए विकल्प पे लेकर आए और यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे तब तक क्लिक करें जब तक यहाँ पे 100% या 100% ना आ जाए। इस तरह से आप जूम विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं रूलर क्या होता है? रूलर एक प्रकार का स्केल होता है जिसके द्वारा हम पेंट के पेज पर ड्राइंग करते समय इसके उपयोग से चित्र के डिस्टेंस मतलब उसकी दूरी को नाप सकते हैं। यह दो प्रकार का होता है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल रूलर। अब आप सभी रूलर को हाइड शो करके दिखाएं। अगर कोई समस्या होती है तो आप वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि रूलर विकल्प को हाइड और शो कैसे करते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप सभी अपने पॉइंटर को व्यू लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आए, यहाँ पर क्लिक करें, उसके बाद रूलर लिखे हुए विकल्प पर क्लिक कर दें। जब आप क्लिक करेंगे तो सही का निशान आ जाएगा, जिससे कि आपका रूलर शो हो जाएगा। अब इसे छुपाने के लिए यानी कि हाइड करने के लिए दोबारा से रूलर लिखे हुए विकल्प पे अपने पॉइंटर को लेकर आए और यहाँ पे क्लिक कर दें, जिससे कि सही का निशान हट जाएगा। इस तरह से आप अपने रूलर को हाइड कर सकते हैं। अब आप सब कुछ ड्राइंग को बनाएंगे। सामने दिए गए चित्र को देखें और बताएं कि इस चित्र को बनाने के लिए कौन कौन से टूल का उपयोग करेंगे। इस चित्र को बनाने के लिए आप कर्व टूल और ओवल टूल का उपयोग करेंगे। अब आप सभी इस चित्र को बनाकर दिखाएं। अगर कोई समस्या होती है तो आप वीडियो की मदद से इस चित्र को बनाना सीख सकते हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि इस चित्र को कैसे बनाएंगे। कर्व टूल को सेलेक्ट करें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है और उसे ऐसे रोटेट कर लें और फिर एक बार क्लिक कर दें। फिर उसके बाद सेलेक्ट टूल पे जाएं, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को सेलेक्ट करें, फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को सेलेक्ट करें और उसके बाद इसे सेलेक्ट कर लें और फिर कॉपी पेस्ट कर लें। फिर उसके बाद रोटेट पर क्लिक करें, यहाँ से फ्लिप हॉरिजॉन्टल के विकल्प को सेलेक्ट कर लें और फिर उसके बाद इसे पिक करके यहाँ पे रख दें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर यहाँ पे ऐसे कर्व टूल को सेलेक्ट करें और फिर कर्व टूल को ऐसे ड्रैग करें और फिर उसे रोटेट करें। फिर यहाँ पे ऐसे कर्व टूल को ड्रैग करें और उसे यहाँ से रोटेट कर दें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर यहाँ पे ऐसे कर्व टूल को ड्रैग करें, उसके बाद यहां से रोटेट करें। फिर अब यहां पे एक और कर्व टूल को ड्रैग करें और उसे रोटेट करें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद यहां पे साइड में एक और कर्व टूल को ड्रैग करें और उसे रोटेट करें। फिर उसके बाद सेलेक्ट टूल पे जाएं, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को सेलेक्ट करें और यहां पे इसे सेलेक्ट कर लें, उसके बाद इसे कॉपी पेस्ट कर लें और फिर पिक करके यहां पे लाकर रख दें, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है।
अब लाइन टूल को सेलेक्ट करें और यहाँ पे ऐसे लाइन को ड्रैग कर दें, फिर उसके बाद यहाँ पे ऊपर एक और लाइन को ड्रैग कर दें। सेलेक्ट टूल पे जाएं और इसे पूरे को सेलेक्ट करें और पिक करके यहाँ पे रख दें। कर्व टूल को सेलेक्ट करें, अपने पॉइंटर को पेंट के शीट पर लेकर आएं और यहाँ पे ऐसे कर्व टूल को ड्रैग करें, उसके बाद फिर इसे ऐसे रोटेट करें। फिर उसके बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ एक और कर्व टूल को ड्रैग करें और उसे ऐसे रोटेट करें। उसके बाद फिर यहीं पे एक बार और लेफ्ट बटन को क्लिक कर दें। फिर उसके बाद यहाँ पे कर्व टूल को ड्रैग करें और यहाँ से उसे ऊपर की तरफ रोटेट कर दें, जैसे कि आपको दिखाया जा रहा वीडियो में, और यहाँ पे एक बार लेफ्ट बटन को क्लिक कर दें। फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसे कर्व टूल को ड्रैग करें और उसे रोटेट करें ऊपर की तरफ। फिर ऐसे नीचे की तरफ कर्व टूल को ड्रैग करें और यहां से उसे रोटेट करें। जैसे जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है वैसे ही आपको रोटेट करना है। फिर उसके बाद अपने पॉइंटर को यहाँ पे रखें और कर्व टूल को ड्रैग करें और उसे ऐसे रोटेट करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर यहाँ पे ऐसे कर्व टूल को ड्रैग करें और उसे रोटेट कर लें। अब आप फिल विथ कलर को सेलेक्ट करें, कलर को सेलेक्ट करें और यहां पे कलर को फिल कर दें। कलर को चेंज करें, यहां पे कलर को भर दें। कलर को चेंज करें, यहां पर कलर को भर दें। फिर से कलर को चेंज करें, यहां पे कलर को भर दें। अब आप सब ओवल टूल को सेलेक्ट करें, कलर वन को चेंज करें और यहाँ पे ऐसे एक ओवल को ड्रैग कर दें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद सेलेक्ट टूल पे जाएं, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को सेलेक्ट करें और इस ओवल को सेलेक्ट कर लें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर आप इसे कॉपी पेस्ट कर लें और पिक करके यहाँ पे रख लें। एक बार और पेस्ट करें, पिक करके यहाँ पे रख लें। एक बार और पेस्ट करें,
पिक करके यहाँ पे रख लें। एक बार और पेस्ट करें, पिक करके यहाँ पे रख लें। एक बार और पेस्ट करें, पिक करके यहाँ पे रख लें। एक बार और पेस्ट करें और फिर इसे पिक करके यहाँ पे रख लें। उसके बाद फिल विद कलर को सेलेक्ट करें, कलर वन को चेंज करें, कलर को भर दें यहाँ पे। फिर कलर वन को चेंज करें, कलर को फिल कर दें। जैसे जैसे आपको दिखाया जा रहा है वैसे वैसे कलर को चेंज करें और एक एक ओवल के अंदर कलर को फिल कर दें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद सेलेक्ट टूल को सेलेक्ट करें और इसे सेलेक्ट कर लें। फिर इसे कॉपी पेस्ट कर लें। और उसके बाद पिक करके यहां पे रखें। एक बार और पेस्ट कर लें, रोटेट पे क्लिक करें, फ्लिप लेफ्ट को सेलेक्ट कर लें और पिक करके यहाँ पे रखें। अगर आप चाहें तो इसके साइज को भी बढ़ा सकते हैं जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। एक बार और पेस्ट करें, रोटेट पे क्लिक करें, फिर इसे पिक करके यहाँ पे रख दें। सेलेक्ट कर लें, उसके बाद रोटेट पे जाएं, रोटेट राइट पे क्लिक करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है वैसे इसे रोटेट करें और फिर उसके बाद इसे पिक करके यहाँ पे रख दें। इस तरह से आप इस चित्र को बना सकते हैं। सामने दिए गए चित्र को कैसे बनाएंगे? इस चित्र को बनाने के लिए आप कर्व टूल का उपयोग करेंगे। अब आप सभी इस चित्र को बनाकर दिखाएं। अगर कोई समस्या होती है तो आप सभी वीडियो को देखकर इस चित्र को बना सकते हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि इस चित्र को कैसे बनाएंगे। इस चित्र को बनाने के लिए आप सभी अपने पॉइंटर को यहाँ पे लेकर आएं और फिर कर्व टूल को सेलेक्ट कर लें और उसके बाद अपने पॉइंटर को पेंट की सीट पर लेकर आएं और ऐसे ड्रैग करें और उसके बाद उसे रोटेट करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और कर्व टूल को ड्रैग करें और उसे यहां से रोटेट करें। फिर यहां पे ऐसे कर्व टूल को ड्रैग करने के बाद ऐसे रोटेट कर लें। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे कर्व टूल को ड्रैग कर लें फिर उसे ऐसे रोटेट कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे कर्व टूल को ड्रैग करें और उसे रोटेट करें। फिर यहाँ पे ऐसे कर्व टूल को ड्रैग करें
और उसे रोटेट कर लें। उसके बाद यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ कर्व टूल को ड्रैग करें और फिर उसे यहाँ पे रोटेट कर लें। सेलेक्ट टूल पे जाएं, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को सेलेक्ट करें और यहाँ पे इसे ऐसे सेलेक्ट कर लें। फिर अब आप इसे कॉपी पेस्ट कर लें, रोटेट पे जाएं, क्लिक करें और उसके बाद फ्लिप हॉरिजॉन्टल विकल्प को सेलेक्ट कर लें और उसके बाद पिक करके यहाँ पे इसे ऐसे रख लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर आप कर्व टूल को सेलेक्ट करें और यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर लें और फिर उसके बाद इसे यहाँ से रोटेट करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे रोटेट कर लें इसे कर्व टूल को ड्रैग करने के बाद। ब्रश टूल पे जाएं, एयर ब्रश टूल को सेलेक्ट करें और फिर ऐसे एयर ब्रश टूल के द्वारा कलर को भर दें। इस तरह से आप इस चित्र को बना सकते हैं। अब आप सभी खुद से कोई एक ड्राइंग बनाएं जिसमें कि कई टूल का उपयोग हो और कलर बॉक्स 1 और कलर बॉक्स 2 का भी उपयोग हो। अब आप पेंट की फाइल को सेव करें और कंप्यूटर को शट डाउन करें। आज की क्लास में आप सभी ने पिछली क्लास का अभ्यास किया और कुछ चित्रों को भी बनाया।